मैंने अपना जो करियर था वो तो एक लोकल स्टोर से स्टार्ट किया, एक आउटफिट स्टोर था जिसके ऊपर मैं जॉब करता था, और लाइक 4,000 रुपीज़ वो मुझे पर मंथ देते थे, अर्न लाइक 11 to 11 मैं वर्क करता था वहाँ. और मुझे किसी ने बताया दोस्त ने कि ऑनलाइन वर्क भी होता है. उस टाइम बिल्कुल स्टार्ट था, तो मैंने उसको बताया कि नहीं ये फेक स्टोरीज हैं, कुछ ऑनलाइन काम नहीं होता कुछ भी ऐसा. लेकिन उसने मुझे मेक श्योर किया कि नहीं ऑनलाइन काम है और हम अच्छा पैसा बना रहे हैं, आप भी इसके अंदर कुछ काम करें, क्योंकि आपको मुझे कंप्यूटर का थोड़ा शौक़ था शुरू से ही. तो मैंने अपना थोड़ा जॉब हंटिंग स्टार्ट की ऑनलाइन और फाइंड किया. तो मुझे पहली जॉब लाइक आफ्टर 3 मंथ्स मैं सर्च करता रहा, जिसके बाद मुझे अपनी पहली जॉब मिली जो मुझे $16 जो उस टाइम तकरीबन 1600 रुपया बनता था उसमें मिली. जब मैंने उसको देखा कि ये जॉब मैंने 2 to 5 मिनट्स के दरमियान मैंने इसको जॉब करी, वो बहुत सिंपल सी एक जॉब थी, एक फाइल को सेव एज करना था, लाइक बहुत सिंपल सा एक जॉब था. जो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये मैंने हाफ अर्न कर लिया जितना मैं पूरा मंथ मेहनत करके करता हूँ. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं जो मैं हूँ लाइक मैं 9 to 5 ऑफिस वर्क के लिए नहीं हूँ, मैं इस तरह जॉब नहीं कर सकता और मैं अपना बॉस खुद बनूंगा, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता. और जब मैंने फिर अपना फुल जो टाइम था फुल एफर्ट जो है मैंने अपनी अपने ऑनलाइन करियर पे स्टार्ट की. और उसके बाद मैंने उस टाइम ओडक्स होता था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें जॉब हम अप्लाई करते थे और हमें लोग हायर करते थे और हमें अच्छा पे करते थे, वो जो राइट नाउ अपवर्क के नाम से है. तो वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी शुरू से ही कि मैं अपना जो स्टोर जैसा स्टोर पर मैं काम कर रहा हूँ वो मैं अपना स्टोर वैसा बनाऊँ. और ऑनलाइन में तो मैंने काम किया और उसके बाद मैंने क्लाइंट्स के लिए बहुत काम किया. क्लाइंट्स के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया ऑनलाइन ही, अपनी साइट्स बनानी शुरू कर दी, ई कॉमर्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया. और फिर मैंने अपना स्टोर भी बनाया जो आमिर इकबाल के नाम से मुल्तान के अंदर मैंने अपना पहला स्टोर ओपन किया. अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि हर बंदा बाय बर्थ ही एंटरप्रेन्योर है, उसके हर इंसान के अंदर स्किल होती है, लेकिन उस स्किल को निकालना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, खुद देखना पड़ता है, अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ती है कि यस आई कैन डू दिस. और यही बात मेरे जहन के अंदर थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा यकीन था क्योंकि मैं रॉन्ग वे के ऊपर नहीं था, मैं एक राइट वे के ऊपर जा रहा था. ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर गलत रास्ते के ऊपर चलेंगे तो शायद आपको कामयाबी ना मिले, लेकिन अगर अपनी आप एफर्ट राइट वे के ऊपर करते हैं और अल्लाह पर आपको यकीन है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. हमें नॉर्मली जो हमारे जो लोग यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट या मास्टर करके वो हमेशा जॉब की तलाश में निकलते हैं कि जॉब ढूंढें कि कहीं जॉब मिल जाए और कहीं हम काम स्टार्ट कर दें. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जॉब ढूंढने की बजाय आप जॉब पैदा करें, आप अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करें. आप अब तो बहुत ईजी हो गया, हर चीज़ सोशल मीडिया ने इतनी हर चीज़ वो कर दिया कि आपको एक मिनट के अंदर आपकी कोई प्रोडक्ट है कोई अच्छी चीज़ है तो एक मिनट के अंदर आप अपनी टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच जाते हैं, आप उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं. तो अब तो कोई मुश्किल नहीं रहा, शुरू के अंदर प्रॉब्लम थी. जिस टाइम में हमने स्टार्ट किया कोई बताने वाला नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं. अब राइट वे के ऊपर आपने सिर्फ पुश करना है अपने आप को कि मैंने ये करना है, मैंने जॉब नहीं देखनी, मैंने जॉब नहीं करनी. और जब आप अपने आप से कमिटमेंट कर लेते हैं तो देन कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहती. अच्छा किरदार, अच्छी आपकी पर्सनैलिटी, लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं. लाइक आज ही अगर आप देखें कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने से पहले उनको सादिकुल अमीन कहा जाता था, यानी वो सच्चे इंसान थे. उनकी उसी वजह से ऊपर हम लोगों को आज इस्लाम मिला. उनकी एक लॉयलिटी, उनकी एक आवाज़, लाइक उनको एक लकब था कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी के साथ इमानत में खयानत नहीं की. तो ये एक किरदार था उनका जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारी पहचान है. तो आपकी पहचान भी अगर आप लॉयल हैं अपने आप अपने साथ, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, तो ये आई थिंक आपको आगे लेके जा सकती है चीज़.
इसलिए आप अगर फॉलो करते हैं किसी इंसान को, जैसे मैं कासिम अली शाह साहब को फॉलो करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनका लाइक मैं तो उनको उस्ताद मोहतरम पीर मुर्शिद है मेरे लिए, मैं उनकी बातों से जब भी मैं डीमोटिवेट होता हूँ। हर इंसान की लाइफ के अंदर कुछ टाइम आता है कि वो बहुत ज़्यादा कभी खुश होता है कभी ना खुश होता है, तो आपके लिए किरदार होना चाहिए जिसको आप देख के आप फॉलो करके, जिसको आप सुन के, जिससे आप बात करके आपका जो एनर्जी लेवल है वो दोबारा उस टाइम पर उसी लेवल के ऊपर आ जाए। तो मेरे लिए तो लाजमी आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। आपके पास सिर्फ एक पैशन होना ज़रूरी है कि मैंने ये काम करना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे पास कुछ ख्वातीन के मैसेज आए जिनके अंदर से एक ही सक्सेस स्टोरी मैं छोटी सी आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे अंदर पैशन है कि मैं ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने पूछा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आपके अलावा आपकी पूरी फैमिली में किसी के पास नहीं है। मैंने पूरी दुनिया का नहीं कहा, मैंने पूरे उसका नहीं कहा, मैंने कहा कि आपके पास कौन सी। शी सेड कि मैं अच्छी कुक हूँ, मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने खाने की बनाते हुए की वीडियोज़ उसको रिकॉर्ड करें, कुछ नए नए लोगों को खाने के तरीके बताएं और उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दें। एंड नाउ शी इज़ अर्निंग मोर देन हिज हस्बैंड। सो उसके लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई उसको पैसे नहीं लगाने पड़े, कोई उसको उसमें कुछ, उसने सिर्फ एफर्ट डाली अपनी और उसको पैशन था कि मैंने ऑनलाइन काम करना है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग मिसगाइड बहुत होते हैं, हम लोगों को सही रास्ता, हम जो लोग सही रास्ता दिखा रहे होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। हम लोग समझते हैं कि नहीं, पैसे के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती। नहीं, पैसे के बगैर हर काम हो सकता है लेकिन पैशन के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपके पास काम करने का जज्बा नहीं है, अगर आपके पास एम नहीं है, अगर आपके पास आपने गोल सेट नहीं किए, तो देन आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। उसमें देखें कि मैंने अपने आप को देखें कि आपके पास स्किल क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे राइटर हैं, फॉर एग्जांपल आप अच्छे एक लोगो डिज़ाइनर हैं, आप अच्छा खाना बना सकते हैं, आप अच्छा फैशन के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। मैं कुछ प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूँ जहाँ लोग आप लोग काम कर सकते हैं। फाइवर है, वहाँ आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अपवर्क है, वहाँ लोगों की आप डिमांड पूरी कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके लिए, उतना ज़्यादा आप अपनी सर्विसेज को उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास आप देखेंगे कि मुश्किलात है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। आप जैसे जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करते जाएंगे लोगों को, जो भी प्रॉब्लम हो आप देखें कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ना कि आप सोल्यूशन क्रिएटर बने, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बने। मुझे एक मेरी श्रीलंकन आंटी थी, हमारे कुछ जाने वाले थे, तो वो मुझे कहते होते थे सुल्तान ऑफ मुल्तान। तो वो एक दफ़ा हमारे लाइफ पे किसी ने सुन लिया और उसके बाद उन्होंने फिर वहीं से उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और क्योंकि मैं लाइक एक ऑनलाइन कम्युनिटी को सर्व कर रहा हूँ, इंटरनेट कम्युनिटी को उनको टीच करता हूँ, तो उसी के तरीके से लाइक उसी वजह से लोग मुझे इस नाम से जानते हैं।